आज देख लो हमारे नबी के बारे में क्या क्या होता है। कोई डेनमार्क में कार्टून बना रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को आतंकवादी साबित कर रहा है, कोई हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी पुष्टपनाही कर रही है, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। देखो आज हमें कितनी गालियां दी जा रही हैं, हमारे नबी को क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कह रहा है। वला तसबुल्लजीन यदउन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, उनके बुजुर्गों को तुम बुरा मत कहो। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने ज़माने हयात में और अपने दरबार खिलाफत के अंदर कभी भी जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब यरूशलम की तरफ जाना शुरू कर दिया, यरूशलम की तरफ जब जाना शुरू किया, हजरत उमर फारूक अपने साथियों को लेकर जब यरूशलम जा रहे थे तो वहां के ईसाइयों के साथ, यरूशलम के ईसाइयों के साथ हजरत उमर फारूक की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यह तय होता है, सुनिए बुजुर्ग, दूसरों के मजहब की इज्जत देखिए क्या, हजरत उमर फारूक उनके साथ मीटिंग करते हैं ईसाइयों के साथ, उस मीटिंग में यह तय होता है कोई भी मुसलमान किसी ईसाई को बेजा कत्ल नहीं करेगा। लिख लो, कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई को नाजायज नहीं सताएगा। लिखो, कोई भी मुसलमान किसी ईसाई के जान और माल पर हमला नहीं करेगा, उसके माल और दौलत पर कब्जा नहीं करेगा। यह समझौता भी होता है, फिर एक और समझौता होता है कि कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई की इबादतगाह पर कब्जा नहीं करेगा और उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा, उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा। लिहाजा इन समझौतों पर दस्तखत हो जाते हैं कि लो हमारी तरफ से तुमको परवाने नजात मिल गया है, मुसलमान कोई भी न तुम्हारी गिरजा घरों को तोड़ेंगे, न तुम्हारी किताब इंजील को जलाएंगे, न तुम्हारी जान लेंगे, न तुम्हारे माल पर कब्जा करेंगे। इसी दौरान अजान की आवाज आने लगती है, एक सहाबी अजान देने लगते हैं, अमीरुल मोमिनीन ने पूछा आसपास कहीं कोई मस्जिद है, जवाब दिया गया नहीं, थोड़ी दूर चलेंगे कुछ किलोमीटर तो बैतुल मुकद्दस आ जाएगा, बैतुल मकदस मिलेगा। हजरत उमर ने कहा लेकिन वो तो दूर है, मुझे तो अभी नमाज पढ़ना है। ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया। ओफो मंजर देखो, समझौता हो चुका है, ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया, अमीरुल मोमिनीन आपकी इबादत का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, हमारे गिरजा में कोई मूर्ति नहीं है, आइए और इस गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, आइए हम इस गिरजा को धो देते हैं। उन्होंने धो दिया और चटाइयां बिछा दी, फरमाया अमीरुल मोमिनीन आइए और नमाज पढ़ लीजिए, आपके साथी आपके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। हजरत उमर ने कहा शुक्रिया आपका। हजरत उमर ने वजू बनाया, सहाबा ने वजू बनाया, चटाइयों पर सहाबा खड़े हो गए, क़िबले की तरफ चेहरा कर लिया। हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी से कहा इकामत कहो, उन्होंने इकामत कह दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत हो चुकी। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ना चाहते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधना चाहते हैं कि कुछ ख्याल आया जहन में, ऐसे देखा, कहने लगे कि चटाई उठाओ, उन्होंने भी अपना मुसल्ला उठाया, सहाबा से कहा चटाई उठाओ और गिरजा के बाहर निकल कर बियाबान खेत में चटाई बिछाओ। खेत में चटाई बिछाई गई, हजरत उमर ने वही मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ा दी, गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। बाद में ईसाई आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हमें खुशी थी कि आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन क्या बात है आप हमारे गिरजा में चटाइयां भी बिछ चुकी थी, नमाज के लिए भी खड़े हो चुके थे, फिर अचानक आप निकल आए और यहां अगर आप नमाज पढ़ने लगे, क्या हमारा गिरजा नापाक था? नहीं, तुम्हारा गिरजा पाक था, तुमने उसको धो दिया था, तुमने चटाइयां बिछा दी थी, तुम्हारा शुक्रिया।
फिर आपने उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हजरती उमर ने कहा, मैंने ये सोचकर उसमें नमाज नहीं पढ़ी कि आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली और कल तेरा इंतकाल हो गया तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और तुम्हारे गिरजा पर कब्जा करके इसको मस्जिद न बना ले, ये ना कहने लगे इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वो पहले मस्जिद थी, मैं इस डर से तुम्हारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मुसलमान मस्जिद तसव्वुर करके तुम्हारे गिरजा को गिरा ना दे, इसलिए मैंने तुम्हारे मस्जिद गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। ये था दूसरों के गिरजा और दूसरों के इबादत खानों का एहतराम, इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं इसकी गिरजा को तोड़ ना दें और इनको इनकी इबादत से रोक ना दें और मस्जिद बनाकर इस पर कब्जा ना कर लें। मेरे भाइयों, ऐसी मिसाल कहीं मिलती है? यहां तो बड़ी बनाई मस्जिद तोड़ दी जाती है। 1949 तक जिस मस्जिद पर नमाज पढ़ी गई हो उस मस्जिद के खिलाफ फैसला आता है कि इसके बदले 5 एकड़ ज़मीन दूसरे को दे दो। पता नहीं ये बेचारा जज कहाँ से पढ़ के आया था और कौन से स्कूल से इसको जज की सर का सर्टिफिकेट मिला था। जिस मुनसिफ ने बेच डाले हों ज़मीरो कलम, जिस मुनसिफ ने बेच डाले हों ज़मीरो कलम, भला उस मुनसिफ से इंसाफ की फरियाद कौन करेगा? कौन करेगा? इंसाफ कहाँ रह गया है? इंसाफ तो ये था कि गिरजा से निकल गए। क्यों? नमाज पढ़ना जायज़ था मेरे लिए लेकिन जानबूझकर नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इसको मस्जिद न समझ। ये हालात थे हमारे, ये जिम्मेदारी थी हमारी। और वहीं से सब लोग अपने अपने ऊंट के ऊपर बैठे, चलो बैतुल मक़दस में चलना है, चल दिए। हज़रत उमर फ़ारूक जिस ऊँट पर बैठे थे उस पर कुछ सामान था, बस एक ही आदमी बैठ सकता था। हज़रत उमर फ़ारूक कुछ देर बैठते थे और उनका ग़ुलाम लगाम पकड़ के चलता था। कुछ देर ग़ुलाम बैठता था तो हज़रत उमर ऊँट की लगाम पकड़ के चलते थे। ये तय हो गया था, थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर हम बैठेंगे, थोड़ी दूर हम चलेंगे तुम बैठोगे। ये हुआ, कभी ग़ुलाम बैठता कभी उमर बैठते, कभी ग़ुलाम बैठता कभी उमर बैठते, और ऐसे सफ़र होते होते बैतुल मक़दस आ गया। बैतुल मक़दस जब आया, सोचो इतना दूर रह गया होगा जैसे ये और आपकी वो गाड़ी उधर जो खड़ी हुई है फोर व्हीलर, वो इतनी दूर का तकरीबन 300-400 मीटर का फासला, 300 मीटर का फासला रह गया होगा। तो बारी आ गई हज़रत उमर फ़ारूक के लगाम पकड़ने की, ऊँट की लगाम पकड़ने की, और हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम के बैठने की बारी आ गई ऊँट पर। ग़ुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे ऊँट की, बारी आपकी है लगाम पकड़ने की, लेकिन मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लगाम मैं पकड़ता हूँ क्योंकि बैतुल मक़दस आ गया है, लोग खड़े हैं आपके इस्तकबाल के लिए, अगर लगाम पकड़ा हुआ आपको देखेंगे तो जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। अमीरुल मोमिनीन, सारे इस्लामी शहरों का अमीर, और ऊँट की लगाम पकड़े और ग़ुलाम बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हम ये बेइज्जती नहीं होने देंगे, आप ऊँट पर बैठ जाइए, अब थोड़ी दूर रह गया मैं पैदल लेके चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, वाह, इंसाफ का मर्डर करने के लिए मैं ही मिला था, इंसाफ का खून करने के लिए मैं ही मिला था, तुम बैठो ऊँट पर, तुम्हारी बारी आई बैठने की। कहा ग़ुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन बैठने की बारी मेरी है लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, आप बैठिए, मैं अपनी बारी खुशी से आपको दे रहा हूँ। नहीं तुम दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूँ, बैठो तुम। अब ग़ुलाम कैसे नहीं मानेगा उमर फ़ारूक की बात, बैठो तुम्हारी बारी आई, बैठो मैं नहीं देता हूँ अपनी बारी, चलो बैठो। ग़ुलाम को ऊँट के ऊपर बिठा दिया और हज़रत उमर फ़ारूक ने लगाम पकड़ ली, लगाम, और चलने लगे। यही वाक़या देखा था, महात्मा गांधी ने तो कहा था कि उमर फ़ारूक का कानून नाफिज कर दो।